नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। 5 करोड़ पीएफ खाता धारकों के लिए आई बड़ी खबर, चुनाव से पहले सरकार देगी खुशखबरी। अगर आप नौकरी पेशा हैं, आपके पास पीएफ अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने ईपीएस 1995 स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की योजना बना दी है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, आपके पास पीएफ अकाउंट है तो आपकी न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये तक बढ़ सकती है। जी हाँ, मौजूदा समय में इस योजना के तहत कर्मचारियों को 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन देने की व्यवस्था है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया है। इस योजना से कामगार 15 फरवरी से जुड़ सकते हैं। सरकार बजट में घोषित इस मेगा पेंशन स्कीम को चुनाव से पहले आजमाना चाहती है। ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड के ट्रस्टी, भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने बताया कि काफी समय से पेंशन की सीमा को बढ़ाकर 3,000 रुपये की मांग की जा रही है। अब तक कर्मचारियों को ईपीएस 95 योजना के तहत केवल 1,000 रुपये की पेंशन मिलती थी, लेकिन अब सरकार 3,000 की पेंशन कर सकती है। 12,000 करोड़ का सालाना बोझ बढ़ेगा। भारतीय मजदूर संघ ने पेंशन को 3,000 तक बढ़ाने की मांग को सरकार के पास भेजा है। खबरों के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले इस संबंध में कोई घोषणा आ सकती है और इस संबंध में सरकार ने पेंशन की सीमा को बढ़ाने के लिए कहा गया है। इस योजना के तहत पेंशन की सीमा को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने के लिए विचार किया जा रहा है। यदि सरकार निर्णय देती है तो 12,000 करोड़ रुपये का सालाना बोझ बढ़ेगा। फिलहाल सरकार इस योजना पर 9,000 करोड़ खर्च करती है, ऐसे में सरकार 3,000 करोड़ का बोझ और झेलेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। इससे करीब 5 करोड़ पीएफ खाताधारकों को फायदा मिलेगा। कैसी लगी ये खबर कमेंट करके जरूर बताएं।